से बात होने के बाद पता लगा है कि इसमें एक राइटर ना बरेली से है, जो कि बरेली अपना होम टाउन है। तो बरेली से कौन है? हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस घर से निकल चुका हूँ और मैं पहुंच गया इंदिरापुरम। इंदिरापुरम पहुंच गया हूँ और जब घर पे चला जाऊँ ना रात को, तो सुबह को जल्दी निकल ही नहीं पाता हूँ, कोई ना कोई काम लग जाता है। तो आज कोई ज्यादा काम नहीं था, बस भांजे को कुछ किताबें दिलवानी थी, उसका नया बैच स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा चलो ये भी काम कर देते हैं और फिर निकलेंगे काम करने। तो अभी 12:30 बजे निकला हूँ, इंदिरापुरम पहुंचा हूँ। अब देखेंगे लोकल में काम करेंगे, आज बाहर अभी तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि बाहर का अपने पास काम नहीं है। देखो बुलेट 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 की आवाज ही अलग है। तो आज लोकल में ही काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अगर बाहर का आ गया तो बाहर चले जाएंगे, है ना। तो आएगी ड्यूटी फिर आपको अपडेट करेंगे। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा, लोकल का काम के सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आज के ब्लॉग में, है ना। तो ब्लॉग लास्ट तक देखना और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से। गो हो गया है 1:28 और आज की पहली ड्यूटी आ चुकी है। जा रहे हैं पिकअप करने, पिकअप मॉली केवल 150 मीटर दूर से दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसी ड्यूटी आ जाए तो खुशी होती है, जिसमें 3-4 किलोमीटर दूर पिकअप करने नहीं जाना पड़ता है। ये केवल 150 मीटर दूर है, ओनली 2 मिनट का रास्ता है। तो पहुंच गया हूँ जस्ट राइडर की पिकअप लोकेशन पे, कर लेते हैं पिकअप, देखते हैं कहाँ जाना है ना। मिलेंगे आपको ड्रॉप करने के बाद। मैं पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3, राइडर को ड्रॉप कर दिया है उनकी लोकेशन पे और मैं T3 से उतर के ना नीचे 2 पे गया। 2 पे पार्किंग में जगह ही नहीं मिली, बाहर ही खड़ा हो गया गाड़ी में ही। अभी ड्यूटी आ चुकी है फाइनली, तो अब पिकअप करने जा रहा हूँ मैं टर्मिनल 2 उबर में, उबर पार्किंग में जा रहा हूँ। उबर पार्किंग में ही राइडर खड़े, राइडर से बात हो चुकी है, चलो कर लेते हैं पिकअप, देखते हैं इन्हें कहाँ जाना है लोकल में। आज ये लोकल की दूसरी ड्यूटी है। गाइस राइडर हमारे आ चुके हैं, पिकअप कर लिया है, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो करा देते राइडर से इंट्रो, कौन है, कहाँ से है, सारा कुछ। गाइस आज के राइडर ये हैं। हेलो, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद जा रहे हैं, ऊपर में ड्यूटी आई है लोकल की। तो राइडर मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने कहा इनके साथ ब्लॉग शूट तो करना बनता है ना। हाँ। और आप लोग बहुत खुश लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बैंगलोर से आ रहे हो आप? गाजियाबाद से ही हो? हाँ। और इनसे बात होने के बाद पता लगा है कि इसमें एक राइटर ना बरेली से है, जो कि बरेली अपना होम टाउन है। तो बरेली से कौन है? ये मैम बरेली से है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है ना, क्योंकि जब बरेली बरेली या कोई सिटी सिटी वाले मिल जाते तो सबसे पहले बात आती है डिस्काउंट की। तो मैम को मैंने डिस्काउंट दे दिया, अभी से नेक्स्ट टाइम प्लान भी बन गया। कहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट टाइम? आगरा का टूर बनने वाला है। कहाँ पे है ताजमहल, कहाँ पे है आगरा फोर्ट, सब चीज दिखाने वाले हैं। इनके लिए कुछ समय के बाद में नंबर शेयर हो गया है, और जब भी प्लान बनेगा तो मैम करेंगे अपना टूर प्लान व्हाट्सएप में, और हम देंगे अपना कोटेशन बना के इन्हें। अगर इन्हें अच्छा लगेगा तो कर लेंगे बुक, फिर नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगा ना मैम के साथ ही आएगा बढ़िया से। तो बरेली वालों को दूंगा 110% डिस्काउंट, लेकिन इस राइड में नहीं, जो प्लान बनाएंगे उससे। नेक्स्ट टाइम कभी और कहीं का बनेगा ना आगरा के अलावा, फिर देंगे डिस्काउंट, है ना, क्योंकि राइडर को दोबारा रिपीट में बुलाना भी रहेगा ना। तो अभी यहाँ से निकले ना, लेकिन आप लोग बोल रहे थे 2 जगह ड्रॉप करना है। तो ये वाला ड्रॉप ना 2 जगह होगा, लास्ट ड्रॉप होगा गाजियाबाद में, और देखते हैं कहाँ कहाँ ड्रॉप करेंगे। करेंगे आपको अपडेट वीडियो में बनाओ लास्ट तक। बाकी अगर आपका भी कोई टूर प्लान बन रहा है तो बना लो टूर प्लान, आगरा मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश शिमला मनाली नैनीताल जयपुर जोधपुर अजमेर, या फिर कहीं का भी, केदारनाथ बद्रीनाथ खाटू शामसा लाजर, कहीं भी घूमो, लगाओ हमारा नंबर। सही है, निकले यहाँ से, इन्हें बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं इनसे नेक्स्ट टाइम, बाय। टाइम हो गया 7:25 और राइडर को उनकी ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया है, और अभी उन्हीं की सोसाइटी के बाहर खड़ा हूँ। एक ड्रॉप हुआ था नोएडा सिटी सेंटर के पास और दूसरा ड्रॉप हुआ लाल कुआं से जस्ट आगे, तो उधर ही खड़ा हूँ उनकी सोसाइटी के बाहर। अपनी रेंज से काफी दूर आ गया हूँ गाजियाबाद में, तो इधर से ड्यूटी बहुत कम बचती है SUV की, लेकिन बच जाए तो किस्मत अच्छी होगी। तो ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करूंगा 9 बजे की, तो फिर उधर ट्रैफिक भी कम हो जाएगा ना सेक्टर 62 की तरफ, उधर ही निकल जाऊंगा, है ना। तो अभी इधर ही वेट करते हैं खड़े होके, देखते हैं ड्यूटी अगली कितनी देर में आएगी और कहाँ से आएगी। काफी देर से वेट कर रहा हूँ इधर ही खड़े होके, अब लग रहा है ड्यूटी आएगी नहीं, तो घर ही निकल लेते हैं। घर यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है, और आराम से खाना खा के सो जाएंगे और कल निकलेंगे टाइम से काम करने के लिए। तो कल कहाँ जाएंगे, किसे घुमाएंगे, क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, वो सब बताएंगे कल के ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। आई होप आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और बस इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं एंड। लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।